हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चा। मम्मा मैं दोस्त। अरे भाई इसकी बड़ी प्रॉब्लम है, इसको अभी ना बैठना भी नहीं आ रहा और मॉर्निंग में ही इन्होंने साइकिल चलाना शुरू कर दिया है। मैं इसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी बट इसके लिए कुछ अभी स्पेशल बन रहा है, हलवा बन रहा है इनके लिए। क्या बन रहा है? हलवा। हलवा नहीं बेटा, हलवा। बैठ गया। अब बैठ गया। बैठ गया। तो गाइज अभी मैं अचानक से कैसे तैयार हुई हूँ क्योंकि हमने ना केक मंगाया है और आरबी का बर्थडे सेलिब्रेट होगा उसके स्कूल में। आरबी को स्कूल भेज दिया था और ऐसा मेरे को पता नहीं था कि मैं भी जाऊँगी। अरुण बोले कि जब ऐसा हो ही रहा है तो क्यों ना आपको भी जाना चाहिए। तो मैं बहुत जल्दी में तैयार हुई हूँ और अभी केक ले लेते हैं, ट्राइपॉड ले लेते हैं और मिलते हैं आरबी के स्कूल में, वहाँ उसका बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। तो पहले हम वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। और ये जो कुर्ता है ना, ये मैंने मेरी एक पिंजौर वाली चाची उनसे सिलवाया था, काफ़ी टाइम से रखा था और जब ये सिलवाया था तो ये ना काफ़ी लूज था मेरे और अभी एकदम फिटिंग में आ रहा है। मतलब ठीक है, अच्छा ही हुआ कि कुछ चीज़ें कुछ काम कुछ अच्छे के लिए ही होते हैं। तो अभी ये मेरे को ठीक आया तो मैं इसी को पहन कर जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं, मैं भी जा रही हूँ और मेरे साथ काजल भी जाएंगी। हाँ मम्मी, तो ना कुछ नहीं कह रहे। काजल को ना डॉगी से डर लग रहा है, देखो ये रहे। ये हमारे साथ साथ आए वहीं से। आ जाओ, नहीं कुछ नहीं कहेंगे, आ जाओ। अभी अभी ना ऊपर है और आप लोग सॉन्ग सुन रहे हो। मैं भाई तो मैं जा रही हूँ अभी ऊपर।
चल कौन कौन से आपके फ्रेंड्स बताओ। भूमिका कहाँ है मैम? भूमिका कहाँ है मैम? भूमिका आरबी की फ्रेंड है भूमिका और एक और है खाते। तुम्हारा क्या नाम है? क्या क्या इधर आना तुम तो बड़ी क्यूट हो। ये आरबी की फ्रेंड भूमिका का नाम बहुत लेता है ये भूमिका और एक ठाकुर कौन है? आजो आजो सब आजो हेलो कर दो। अपना नाम बताओ। तुम बताओ अपना नाम बताओ। क्या युग? और तुम्हारा? साक्षी। और तुम्हारा? और तुम्हारा और तुम्हारा बर्थडे बॉय है। अभी आरबी का ना बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है। आरबी की एक मैम है उनसे मुझे कुछ पूछना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है तो अभी मैं उनसे पूछ आ जा रही हूँ। मुझे आपसे भी पूछना है। मैं इधर आई ना मैं पूछा नहीं सर बाबा नहीं पूछना आपसे मैम शर्मा की बात है नहीं। मुझे ये बताओ ये जो आपका चार्म है इसका क्या राज है? आप एकदम फिट रहते हो इतने ब्यूटीफुल लगते हो। नहीं नहीं आप ऐसे कैसे मेंटेन रखते हो अपने आप को? देखो मैम देखो मैम बताया अच्छा खाती बहुत कहाँ लगता है मुझे देखो 3 महीने में मैं खा के ऐसी हो गई। अच्छा लग रहा है अच्छी तो नहीं पर ठीक है ना हो जाऊंगी। नहीं नहीं हाँ इसी वजह से हम आपकी घर पे भी बातें करते हैं। मैं आदि की वो मैंने बड़ी प्यारी रखी है हमेशा एकदम टिप टॉप बन के रहती है। मुझे भी बताओ मैं नहीं रह पाती ये सीक्रेट है बता दूँ? ये अच्छी हैबिट है पर मैं नहीं रह पाती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ घर में भी। हाँ बेबी अरे बेबी नहीं था उससे पहले भी आ जाओ अभी ये भी है ये आरबी का बर्थडे गिफ्ट आराम से चलो चलो मजे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करके आए पता है अपने कसर क्या हाँ कोई बात नहीं अगली बार दे देंगे। अभी चली अभी बैठ गया अभी अपनी साइकिल पे आ गई ना चलानी मुझे बिठा लोगे जगह नहीं है जगह तो है मैं बैठ जाऊंगी है ना जगह है जगह आते तो चाचू दिखाओ मुझे भी दिखाओ। अरे वाह इतनी सारी बहन्स मैम ने गिफ्ट किए हैं अभी के लिए आज अभी का बर्थडे नहीं था मैम ने गिफ्ट किए हैं। ये तो बहुत प्यारी है ये तो बोल दो बोलो थैंक यू मैम। अभी हम लोग आ गए घर आरबी का बर्थडे सेलिब्रेशन स्कूल में सच में बहुत 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 अच्छा रहा। आरबी बहुत अच्छी है मैम उसकी काफ़ी देर बैठ के मैं बातें करके आई तो सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और जो शाम की पार्टी है उसका अलग से ब्लॉग आएगा तो आप लोग वो भी देखना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।